हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नवरस में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक ब्यूटी प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ और वो है ये ब्लू हेवन का फ्लॉलेस लिक्विड कंसीलर। तो ये इसमें बताता है कि ये आपके स्किन पे अप टू 12 आवर्स स्टे करेगा और फुल कवरेज देगा, सुपर ब्लेंडेबल है, वाटरप्रूफ है, लाइट वेटेज है, तो ये सब ये कहता है। और पीछे आपको स्टेप दिया हुआ है कि इसे यूज कैसे करना है। अपने डार्क स्पॉट पे इसे पहले लगा लेना है, उसको डैप करके इसे ब्लेंड कर देना है। और ये जो है पीछे इसके आपको शेड दिया हुआ है, आप अपने स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हैं। ये 6 शेड में आता है, ये जो ब्लू हेवन का जो कंसीलर है वो 6 शेड में है और मेरा जो है वो ये है हनी। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं क्योंकि कंसीलर जो होता है वो हाइलाइटर का भी काम करता है। आप हाईलाइट करने के लिए आप लाइट कलर का भी कंसीलर ले सकते हैं। तो मैंने अपने स्किन टोन के मैच से लिया है ये हनी। उसके बाद ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है और इसकी जो प्राइस है वो 150 है। तो मेरे पास एक भी कंसीलर नहीं था तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले इसी से ट्राई करूँ, क्योंकि ये काफ़ी कम प्राइस का था। तो सोची कि इसी से ट्राई करके देखती हूँ कि ये कैसा काम करता है। तो चलिए, इसके बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि ये कैसा काम करता है, अच्छा है या नहीं है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ये सारा डिटेल्स जानने के लिए आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ये, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है और इसकी जो प्राइस है वो 150 है और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 2 ईयर्स है। और चलिए देखते हैं इसके अंदर कि इसका लुक कैसा है। ये देखिए, लुक काफ़ी डिसेंट और अच्छा सा है, क्यूट सा है। ये जो है वो 16 ml का है, तो काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी है क्योंकि कंसीलर इतनी क्वांटिटी में जल्दी आती नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है इसकी और ये पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए, इसमें एप्लीकेटर भी दिया हुआ है तो काफ़ी इजी हो जाता है इसे निकालना। और जहाँ पे भी डॉट है, सॉरी, जहाँ पे भी आपका डार्क स्पॉट है वहाँ पे लगाकर आप आसानी से ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये मैं दिखा देती हूँ कि ये कैसा है। तो ये देखिए, ये ऐसा है। तो अब मैं इसे यूज करके दिखाती हूँ कि ये डार्क स्पॉट को छुपाता है या नहीं है, फुल कवरेज है, मीडियम कवरेज है या लो कवरेज है, और इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं सब बताती हूँ। तो ये ऐसा है इसका कलर। अब देखिए, ये मेरे हाथों पे ये डार्क स्पॉट है तो इसे मैं छिपाने की कोशिश करती हूँ। ये मैंने इसे लगा दिया, अब इसे मैं अपने फिंगर के हेल्प से इसे ब्लेंड करती हूं। ये देखिए, मेरा स्पॉट दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है। तो ये फुल कवरेज नहीं, मीडियम कवरेज है, ये आपको मीडियम कवरेज दे सकता है। और आप चाहें तो इसे बिल्ड भी कर सकते हैं, आप इसे एक बार और इसके ऊपर ट्राई करके देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार और लगाकर। तो अब काफी हद तक मेरा स्पॉट छिप गया है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो ये मीडियम कवरेज देता है। हाँ, ये फुल कवरेज नहीं देता है, ये मीडियम कवरेज देता है। जो लोग भी मीडियम कवरेज का कंसीलर ढूंढ रहे हैं या लो कवरेज का, वो इसे ले सकते हैं। वैसे जनरली लोग फुल कवरेज वाला कंसीलर ही ढूंढते हैं ताकि आप अपने डार्क स्पॉट्स को, डार्क सर्कल्स को छिपा सकें। तो ओके ओके टाइप है ये प्रोडक्ट, आप इसे यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, कहीं ये उतना बुरा भी नहीं है, अच्छा है, आप इसे लेकर ट्राई कर सकते हैं। और आप अपने स्किन टोन के हिसाब से लें।
अगर आप इसे हाइलाइटर की तरह यूज करना चाहते हैं तो एक टोन लाइटर आप ले लें और उसे हाइलाइटर की तरह यूज करें। वैसे इसे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ट्राई किया था तो ब्यूटी ब्लेंडर से सारा ब्लेंडर में सोख हो जाता है, तो इसे आप अपने हाथ से या फिर ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड करने की कोशिश करें। ब्यूटी ब्लेंडर से ये सारा ब्यूटी ब्लेंडर में ही चला जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसे यूज़ करने से। ओवरऑल ठीक है, अच्छा है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं लेकर, प्राइस के अकॉर्डिंग ओके है। तो आपने ये कंसीलर पहले यूज़ किया है या नहीं किया है मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपको ये कैसा लगा वो भी मुझे बताएं। कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो चलिए ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।